देखिए मैं अपनी गोल्ड की ज्वेलरी कैसे साफ़ करती हूँ, और ये साफ़ होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, सुधा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी गोल्ड की ज्वेलरी साफ़ करके दिखाऊंगी कि कैसे मेरी गोल्ड की ज्वेलरी जो भी होती हैं बिल्कुल चमकते रहते हैं। आप मेरी ज्वेलरी देख के ये नहीं कह सकते हैं कि ये कितने साल पुरानी है। मैं जो भी पहनती हूँ तो मुझे गोल्ड का रहता है ना कि गोल्ड है तो मतलब पीला है तो पीला दिखे, बिल्कुल थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। मैं जो भी पहनती हूँ कि चमक बनी रहती है। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और चलिए फिर कैसे साफ़ करना है देखते हैं। ये कुछ ज्वेलरी हैं जिनको साफ़ करना है, तो इनमें ज़्यादातर आपको साफ़ दिख रहे होंगे, जैसे कि ये है भी नया है तो कुछ बार ही पहने हैं तो ये है, लेकिन इससे भी अच्छा साफ हो जाएगा। अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो पानी पड़ता है तो थोड़ा सा चमक कम हो जाता है। और ये मेरा चेन है, ये रेगुलर यूज़ करते हैं तो इसका कलर देख रहे होंगे आप, इन सब चेन के इस चेन के कंपेयर में कितना कलर मतलब लाइट हो गया इसका, तो ये सब साफ़ कर लेंगे। जो भी रेगुलर पहनते हैं वही है। अभी पानी गर्म कर लिए हैं, पानी में ही कोई भी आप डिटर्जेंट पाउडर डाल सकते हैं जो आप घर पे यूज़ करते हैं। इस पानी में अभी फिर मेन ये होता है हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के और फिर इसको भी अच्छे से उबाल लेंगे। फिर बस इसमें उबाल आने के बाद बंद कर देंगे। फिर इसमें गरम में ही जितनी ज्वेलरी है और जो इस तरह के स्टोन टाइप का है, स्टोन है इसमें तो इसको नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। और फिर ये है ब्लैक मोती का, तो इसको भी बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे क्योंकि मोती की चमक चली जाएगी तो फिर पूरा मंगलसूत्र ख़राब हो जाएगा, मतलब शाइनिंग उसकी चली जाएगी। तो पता नहीं जाए कि नहीं जाए लेकिन रिस्क नहीं लेते हैं, तो ये दोनों निकाल देंगे। और उसके बाद और ये देखिए, ये पूरा स्टोन का है लेकिन ये नहीं ख़राब होता है, इसका स्टोन थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का है इसलिए इसको हटा देते हैं। और इसको तो जितनी बार साफ़ करो उतना अच्छे से चमक जाता है, 3 साल से लगातार इसको पहन रहे हैं तो अभी इसको देखिए बहुत साफ़ नहीं है, और साफ़ होने के बाद फ़र्क देखिएगा। तो अभी इसी तरह से सारे इसमें, और ज्वेलरी डालते समय बहुत सावधानी रखिए, इसको डायरेक्ट बेसिंग में या सिंक में नहीं बहाइए वरना कोई भी ज्वेलरी खोने का डर रहेगा, कोई भी बह जाएगा, छोटा छोटा रहता है। तो बहुत सावधानी से इसको करिए, कितना डाल रहे हैं उसको काउंटिंग करिए। तो अभी इसको इसमें 2 मिनट तक छोड़ देंगे और 2 मिनट बाद इसको ब्रश से साफ़ कर लेंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है तो फिर इसको भी डाल देते हैं इसमें। और फिर इस तरह के ब्रश लेके फिर सारे को इस तरह से ब्रश मार मार के, और जो आपको लगता है कि बिल्कुल गंदा जिसमें नहीं है तो बिना ब्रश करे भी इनको पानी से धो लेंगे तो इनका चमक फिर से एकदम लगेगा नया गोल्ड का आप लिए हैं वैसा हो जाएगा चमक। बस इस तरह से साफ करके और इसको पानी में डाल देना है। तो इसमें तो देखिए कुछ भी नहीं है, तो इसी तरह से सारे में ब्रश मार के और फिर उसको धो लेते हैं। इस सारे ज्वेलरी को ब्रश से साफ़ करके इस पानी में डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद इस पानी को डायरेक्ट नहीं फेंकिए, एक छन्नी से छान लीजिए ताकि कोई भी हो गोल्ड की ज्वेलरी साफ़ करते समय सावधानी रखिए क्योंकि थोड़ा सा भी अगर एक भी छोटा सा गिर गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अभी देखिए इसमें एक भी नहीं है। तो अभी फिर इस पानी से धोने के बाद फिर इसको एक बार और साफ पानी से धो लेंगे, तो इस पानी में डाल देंगे और बहुत आसानी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी देखिए इस पानी में पूरा साफ़ हो गया है, पानी गंदा नहीं है। तो अभी इसको कॉटन के कपड़े पे
फिर इसको कपड़े में ऐसे ऐसे लेके हिला देंगे तो सारे का पानी निकल जाएगा। तो अभी आप देखिए, तो अभी देखिए सारे ज्वेलरी साफ कर लिए। और ये सब देख लीजिए, ये सब बहुत पुराने हैं और बहुत मतलब दिनों दिनों तक पहनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, आप मेरी रेगुलर की वीडियो देख सकते हैं, मैं ब्लॉगिंग की वीडियो ज़्यादातर बनाती हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं मैं अपनी ईयरिंग चेंज कर करके पहनती रहती हूँ। लेकिन कोई देख के ये नहीं कहेगा कि ये सब 14 साल पुरानी ज्वेलरी है, चमक उनकी मतलब नए जैसे ही रहती है। तो इस तरह से मैं अक्सर कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि अब मतलब ये 2-3 महीने लगातार पहन चुके हैं। और इसकी चमक का क्या कहे, देख लीजिए आप खुद भी, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें सारी ज्वेलरी देखिए साफ कर लिए हैं। और इस चेन का आपने अभी देखा कि इस चेन से कितना इसका कलर अंतर था, और अभी इसमें इसके साथ कर दीजिए तो फिर इसका कलर इसी चेन के बराबर हो गया। सारे ज्वेलरी का देख लीजिए कितना साफ कलर हो गया है। इस तरह से आप भी अपनी ज्वेलरी साफ़ करिए। तो कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी आज की मेरी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।